ताजनगरी आगरा के गांव में जहरीली शराब से लोगों की मौत होने के कारण पूर्व कांग्रेस केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और उत्तर प्रदेश कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री सतीश शर्मा ने आगरा के गांव देवरी, घड़ी, जहान सिंह, चित्तौरा, कोलारा कला आदि क्षेत्रों में दौरा किया और जहरीली शराब से मृतकों की मौत हुई उनके परिजनों से मुलाकात की। प्रदीप जैन आदित्य ने पीड़ित परिवार के भोलाराम और अन्य परिवारी जनों के सदस्यों से कहा कि प्रत्येक परिवार को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए और जो मजदूर की जहरीली शराब से मौत हुई है उनके बच्चों के लिए न रहने के लिए मकान है, न रोजगार है, न ही कमाने वाला है, केवल एक झोपड़ी में रहते हैं। अब इन मजदूर परिवारों का कैसे गुजारा होगा, इसलिए हम इन लोगों के लिए सरकार से गुहार लगाएंगे। और कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और जल्द ही वह राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और कठोर कार्रवाई के साथ साथ प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए कहेंगे। पूर्व मंत्री सतीश वर्मा ने कहा, योगी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पहले अलीगढ़ का शराब कांड और इसी प्रकार आगरा में हुई घटना इसका उदाहरण है। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने मांग की कि हाई कोर्ट के जज से आगरा शराब कांड की जांच कराई जाए और दोषी लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष राघवेंद्र मीनू, शहर अध्यक्ष देवेंद्र चिल्लू आदि वरिष्ठ नेतागण उनके साथ मौजूद रहे। पूरा उत्तर प्रदेश जला है, जंगल राज्य और योगी बाबा आंख में पट्टी बांध के बैठे हैं। शर्म आती है ऐसे शासन पर कि आगरा में जिस तरह से वो गरीब लोग जिनके घर के ऊपर एक छत भी नहीं है, एक टीन का टुकड़ा नहीं है, जिनके नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनको जहर देके प्रदेश सरकार के संरक्षण में मारा जा रहा। अगर ये नकली शराब थी तो क्यों कार्रवाई नहीं की? पहले अलीगढ़ में मरे, फिरोजाबाद में मरे, मेरठ में मरे, बुलंदशहर में मरे, गोरखपुर में मरे, हमीरपुर में मरे, जालौन में मरे और आज आगरा के अंदर, और उसके बाद आज तक प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आया, ना इनके सिर पे मरहम रखने लायक। जहाँ एक और जहरीली शराब ने इनकी जान ली, आज भी शराब हम लोग एक गाँव में गए पड़ी हुई है। सरकार की मंशा है कि लोग गरीब मरते हैं, मरते रहें। प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के सचिव और जो उत्तर प्रदेश सरकार में यशस्वी मंत्री सतीश शर्मा जी, हम सब लोगों को प्रियंका जी ने भेजा है और हम चाहते हैं क्योंकि ये शराब बिक रही तो किसके संरक्षण में बिक रही? लॉकडाउन के अंदर जब पूरी सरकार दुकान खोलने पर चालान कर रही थी, चाय बेचने पर चालान कर रही थी, उस समय शराब की दुकानें खुल रही थी, उस समय शराब की बिक्री वैध और अवैध रूप से हो रही थी और उस पर कोई रोक नहीं थी। आज ये सब जो हुआ है उसके लिए हमारे योगी बाबा और उनकी सरकार दोषी है। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो, कायदे से तो सीबीआई जांच होना चाहिए ताकि सामने दूध का दूध पानी का पानी हो के भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता प्रदेश में अपने संरक्षण में शराब बिकवा रहे। हमारी ये भी मांग है कि इस ऐसे परिवारों को तत्काल जिला प्रशासन अपनी तरफ से, जब तक प्रदेश से 20 लाख रुपए नहीं आते, इनके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा, इनके घर में तत्काल व्यवस्था करे और तत्काल इन पर मरहम लगाए। हम कांग्रेस के लोग इनकी हर जंग में साथ रहेंगे। जो ग्राम पंचायत कोलारा कला में जहरीली शराब द्वारा जो मौत हुई है, आप उस मृतक परिवार के यहाँ संवेदना व्यक्त करने आए हैं, आप विपक्षी होने के नाते आप सरकार से क्या मांग करते हैं पीड़ित परिवार की सहायता हेतु? देखिए, जहाँ हम लोग संवेदना व्यक्त करने आए हैं वहाँ ये भी देखने के लिए आए हैं कि आखिर इस जंगल राज में, इस पूरे प्रदेश में जो कल तक विकास के नाम से जाना जाता था और आज जंगल राज के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाना जा रहा है, आखिर उसके पीछे क्या कारण है? अभी हमारे मंत्री जी जैन साहब ने बताया कि किस तरीके से लॉकडाउन के अंदर व्यापार था, स्कूल बंद, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, पूजा घर बंद, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन इस सरकार ने शराब पर बंदी नहीं लगाई, शराब चलती रही, क्योंकि ये तो हर कीमत पर नोट कमाने के लिए, इस प्रदेश को लूटने के लिए, इस देश को लूटने के लिए ये सत्ता में आए
और झूठा बोल बोल करके झूठे आश्वासन इस देश की जनता को दे करके, चाहे नौजवानों को आश्वासन दिया हो रोजगार का, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया हो, चाहे किसान को उसकी उपज का दुगना मूल्य देने के नाम पर आया हो, जो भी आया हो, लेकिन आज ठीक उसके विपरीत हो रहा है कि आज जहरीली शराब से ये सरकार चल रही है, उससे अर्थ कमा रही है, नोट कमा रही है, और उसी के आधार पर आज ये नन्हे नन्हे बच्चे जो आपके बीच में बैठे हुए हैं, जिनके माँ साया छिन गया, बाप दादा बुजुर्ग हैं, कमा नहीं सकते, आखिर इन बच्चों को अब कौन पालेगा, झोंपड़ी सिर पर कौन देखेगा, इनके सर पर झोंपड़ी भी नहीं है, कोई हाथ भी नहीं है। आज इसी बात को लेकर के हमारे आदित्य जैन जी ने 20 लाख रुपए की ऐसे परिवारों को मदद के लिए कहा है कि सरकार से करें, और प्रियंका जी ने विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे से छोटे मुद्दे पर जहां जनता के साथ अन्याय हो रहा है वहां हर जगह डेपुटेशन भेज रही हैं, स्वयं जा रही हैं, हर चीज छोटी से छोटी चीज का वो संज्ञान ले रही हैं। मैं समझता हूं कि हमारी जहां संवेदनाएँ वहाँ इनकी मदद की लड़ाई भी कांग्रेस लड़ेगी, प्रदेश कांग्रेस अजय प्रसाद लल्लू जी के नेतृत्व में लड़ेगी, और प्रियंका जी के आदेश पर हर जगह हर दिन दुखी के यहाँ जिसके साथ भी अन्याय होगा हम लोग वहाँ जाएंगे उनकी मदद के साथ। सरकार से तो मांग हम करते हैं कि इन लोगों को कम से कम आश्रय दिया जाए, 20-20 लाख रुपये कम से कम इनको मुआवजा दिया जाए, इनको संरक्षण दिया जाए, जिसकी छत भी घर पे सिर पे छत नहीं है वो छत का इंतजाम किया जाए। एक ही आदमी कमाने वाला था, क्योंकि जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी और जो नरसंहार है ये, जिसमें 18 लोग आगरा में मारे गए, जिसमें कि यहाँ कोलारा कला में ही 4 लोग मारे गए जहरीली शराब पीने से, उसके बाद भी शासन प्रशासन उसे देख नहीं रहा है। अलीगढ़ में जैसे सारा जहरीली शराब से मरे थे, उसमें बाद में जांच में निकल के आएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसमें इन्वॉल्व थे। हाथरस में करीब 14 लोग मरे थे, तो उसमें भी यही निकल के आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो शराब माफियाओं से जुड़े हुए थे उनके संरक्षण में कार्य चल रहा था। आगरा में भी आप देखेंगे तो कुछ दिन बाद जाँच में यही निकल के आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पूरा पूरा हाथ और संरक्षण है, पुलिस प्रशासन इसे दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे पुरजोर इसको मुद्दा बनाएगी। और इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेतृत्व ने माननीय प्रियंका गांधी जी ने प्रदीप जनादित्य जी पूर्व मंत्री भारत सरकार के जो आए हुए हैं और उन्होंने कहा है यहाँ पे कि इसको जो है पूरी तरीके से उठाना है, और हम लोग पीड़ित परिवार के साथ में और जगह में जहाँ पे भी इस तरह की घटना हुई है कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है और उनके मुआवजे की मांग करेगी।